जनपद बुलंदशहर में आज वास्तु लोधी महासभा के तत्वावधान में लोधी समाज के दर्जनों से भी अधिक नगर के काला आप स्थित मलका पार्क पर इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि जनपद रायबरेली के विधानसभा कोनसा के गांव खटियाखेड़ा में 11 जनवरी 2023 को लोधी समाज के अलाव प्रताप रहे 7 लोगों की डंपर से कुचल जाने के कारण दर्दनाक मौत हो गई थी। एक साथ एक ही गांव के 7 लोगों की मृत्यु होना बहुत ही दुखद है। जिलाध्यक्ष हरीश लोधी ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मांग की कि लोधी समाज के 7 लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिवारजनों और बच्चों की शिक्षा व परिवार के जीवन यापन के लिए आर्थिक सहयोग प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाए। और आज आपके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, किस विषय में ज्ञापन सौंपा गया? मेरा नाम राजपाल सिंह है, मैं प्रदेश प्रचार मंत्री राष्ट्रीय लोधी महासभा उत्तर प्रदेश। ये जनपद रायबरेली में खगियाघेड़ा गांव मर सुबह के वक्त 7 लोधी समाज के व्यक्ति पुआल पर ताप रहे थे, तो वहां पर एक डंफर ने उनको एट द मौके पर कुचल कर मार दिया। और इस विषय में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय लोधी महासभा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है कि उस पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद दिलाने के लिए। और एक ज्ञापन सौंपा गया सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, किस मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया? जी, मेरा नाम हरीश लोधी और जिलाध्यक्ष बुलंद सर राष्ट्र लोधी महासभा। जैसा कि 11 जनवरी 2023 को रायबरेली के हरचंदपुर गांव से लोधी समाज के 7 लोगों की डंपर के कुचल जाने से दर्दनाशक मौत हो गई, जिसमें कि आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है, आज तक उनके लिए कोई ना ही मुआवजा ना ही किसी तरीका की कोई ऐसी अपडेट आई है ताकि वो परिवार संतुष्ट या अपने परिवार को संभालने के लिए उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए कुछ सहयोग आर्थिक मदद मिल सके। तो इस संबंध में हमने आज डीएम साहब के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है ताकि उस परिवार को आर्थिक मदद मिल सके, सहयोग मिल सके, ताकि उनके भविष्य में आने वाले भविष्य में उनका कोई भी शिक्षा दीक्षा अच्छे तरीका से हो सके।